जैसा कि लास्ट ट्रेन जर्नी जयपुर टू मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट ट्रेन से सूरत तक आया था मैं, और सूरत एक हफ्ते रुकने के बाद काफ़ी सारे प्लेसेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं। मैं यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन लेने वाला हूँ, तो सूरत रेलवे स्टेशन बाहर से कुछ इस तरह का है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। फाइनली हमारी ट्रेन कर्नावटी एक्सप्रेस अराइवल हो रही है सूरत रेलवे स्टेशन पे। इस ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है। आज की जर्नी जनरल कोच में होने वाली है कर्नावटी एक्सप्रेस में, तो 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है सूरत रेलवे स्टेशन से। कर्नावटी एक्सप्रेस का सूरत से मुंबई सेंट्रल के बीच में 3 स्टॉपेज है, वलसाड, वापी, बोरीवली और फाइनली डेस्टिनेशन मुंबई। अगर बात करें कर्नावती एक्सप्रेस की तो अहमदाबाद से सुबह 5 बजे चलती है। टोटल डिस्टेंस 493 किलोमीटर 7 आवर में कंप्लीट करती है। काफ़ी पंक्चुअल ट्रेन है। सामने की तरफ सूरत छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस खड़ी है जिसका डिपार्चर 10 बजे होगा। सूरत से छपरा के बीच में ये ट्रेन चलती है। तो दोस्तों आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो सूरत रेलवे स्टेशन से। मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज वलसाड रेलवे स्टेशन पे। साथ ही दोस्तों अगर आपने लास्ट ब्लॉग सूरत मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Skipping out in the junction. Skipping Sachin Railway Station. Skipping Navsari. Skipping on Kelly. Skipping Imalsad. सो दोस्तों फाइनली ऑन टाइम हमारी ट्रेन वलसाड रेलवे स्टेशन अराइवल हो रही है। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है BL। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है और ये वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। सो गाइस हमारी कोच काफ़ी खचाखच भरी हुई है क्योंकि मैं जनरल कोच में सफ़र कर रहा हूँ और प्लेटफॉर्म अपोजिट साइड आया, सो मैं इसे कवर नहीं कर पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज वापी रेलवे स्टेशन पे। तब तक आप लोग भी इंजॉय करो, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो आप लोग भी इंजॉय करो।
हमारी ट्रेन फाइनली 9:35 पर वापी रेलवे स्टेशन अराइवल हो रही है। इसका स्टेशन कोड BAPI है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है। वापी गुजरात स्टेट में आता है, वेस्टर्न रेलवे के अंदर। वापी फेमस है केमिकल सिटी ऑफ गुजरात, यहाँ पे नंबर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। 2 मिनट का स्टॉपेज है। सो अभी तक ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं थे, बट अब पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। सो अब नेक्स्ट स्टॉपेज है इसका बोरीवली। तो आप लोग यहाँ से व्यू एंजॉय करो, मैं अब आपसे सीधा मिलता हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बोरीवली रेलवे स्टेशन मैं स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं सूरत से वापी तक खड़े खड़े आया हूँ, सो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। तो बोरीवली मैं स्किप करने वाला हूँ। आप लोग भी एंजॉय करो और कोई भी पार्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मेरा पहला सफ़र है मुंबई की तरफ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस रूट को एक्सप्लोर करने में। तो आप लोग भी एंजॉय करो।
फाइनली ऑन टाइम कर्णावती एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गई है। वापसी में ये अहमदाबाद की तरफ 2 बजे निकल जाएगी। काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है कर्णावती एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों, सूरत से वापी तक तो काफ़ी भरी हुई थी, बट वापी के बाद से पूरी ट्रेन खाली हो गई थी। अगर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म 9 है 5 मेन लाइन ट्रेन्स के लिए और 4 मुंबई सब लाइन लोकल ट्रेन्स के लिए। और इस रेलवे स्टेशन को ओपनिंग किया गया था 18 दिसंबर 1930 में। काफ़ी बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन है दोस्तों आज शाम में ही है 5:30 बजे, जैसा कि अभी 12 बज रहा है। तब तक मैं यहाँ से पास में ही मरीन ड्राइव, होटल ताज, गेटवे ऑफ इंडिया पड़ता है, तो मैं ये सब घूमने वाला हूँ। सो अगर आपको इसकी ब्लॉग चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।